मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट की, और लास्ट 20-23 ईयर्स मैं पढ़ा रही हूँ इंग्लिश। बिसाइड्स ये बेटा जब पैदा हुआ, पहले तो नहीं, फिर बहुत उसके बाद ये हुआ तो शुरू में ही इसकी टांगें ऐसी थी। बच्चे मोस्टली ऐसे से हिलाते हैं ना, नेवर यूज टू मूव हिज लेग्स। और फिर थोड़ा चेहरे पे वो भी बहुत थी, विंकल्स एंड ऑल। बीच में बहुत अच्छा हो गया था, लाइक खड़ा होने लगा था। मैं वॉकर पे इसको डाला था आफ्टर 6 मंथ्स, तो 2-3 महीने के बाद वो वॉकर को चलाने लगा था खुद से। और इवन रैम्प्स बने हुए थे हमारे घर के सामने, रैम्प से उतर भी जाता था और रैम्प से चढ़ भी जाता था इस तरह से। और फिर मैं किसी ने डॉक्टर ने कहा, मैं न्यूरोफिजिशियन के पास गई थी एहसन अजीज के पास, उन्होंने कहा इस तरह के बच्चे ठीक हो जाते हैं। उन्होंने एक हथौड़ी लेके ऐसे ऐसे मारा, तो वो बताया स्पास्टिसिटी का। एंड देन तो उन्होंने उस सर में वो बल्ब लगा के वो भी चेक किया था और सब चेक किया था। फिर वो लिटा के मशीन के अंदर बच्चे को, उसका भी लिया एक्सरे, तो ये सब के फिर उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये खुद ही ठीक हो जाते हैं आफ्टर, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। अगर आप मेरी दवा लेंगी, मैं दवा दूँ आपको, तो ये टाइम थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर मैंने दवा ली, सिटोकोलीन एंड ऑल, लिरोसिल, यस वो भी दिया उन्होंने। तो फिर लिरोसिल मैंने नहीं खिलाया इसलिए कि वो टोन हो जाता था मेरा बेटा, ना हंस रहा है ना बोल रहा है, तो ये मैंने कहा ये छोड़ दो ये दवा। फिर ये सिटोकोलीन तो मैं खिलाती ही रही। 2 महीने के बाद फिर उनसे मिली, उन्होंने कहा 2 महीना और खिलाएं। फिर वो 2 महीने के बाद फिर मैं नहीं गई उनके पास। देन किसी ने कहा कि आप एक्सरसाइज के लिए ले जाएं, फिजियोथेरेपी के लिए, तो नुमाइश पे है ऑफिस, आई मीन दे डू ऑल सॉर्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, वॉकिंग एंड ऑल। तो फिर ये वहाँ से बहुत अच्छा हो गया था, रैंप पे चलना, फिर टर्न अराउंड होना, देन कम बैक एंड अगेन गो, इस तरह से करता रहा, अच्छा खासा हाथ पकड़ के चलने लगा था। फिर जो कोरोना आया, कोरोना में मैंने छोड़ दिया कि तो खुद ब खुद ठीक होगा। समथिंग केम इन माई माइंड सडनली, उन डॉक्टर्स की बात सुन के वो याद आ गई। फिर मैंने कहा तो ठीक हो जाएगा, अब इतने दिन तो करा लिया। आई मीन इट वॉज नियरली 4 ईयर्स मैंने एक्सरसाइज से फिजियोथेरेपी के लिए भेजा उसको। तो फिर ये कोरोना में जो इसने ना डब्ल्यू सिटिंग करना शुरू किया, यू नो वॉट इज डब्ल्यू सिटिंग, पाँव पीछे करके एकदम से ऐसे करके, उसी से इसका सामने का पोर्शन है। तो ये इसने 2 साल किया, आई मीन कोरोना वॉज 19, 20 एंड 21, तो इतनी देर तक ये ऐसे ही बैठता था और 12 आवर्स तक बैठता था, अनलेस कि इसको नींद ना आ जाए। तो फिर उसके बाद ये टांगें इसकी कमज़ोर हो गई। फिर मैं फिजियोथेरेपी के लिए गई, तो वहाँ पे लोग कहने लगे बड़ा हो गया ये वो, और मैं सर्च तो करती थी कंप्यूटर पे, देखती रहती थी। फिर मैं उसके लिए भी गई एक्यूपंक्चर, और पूरा मतलब एक्यूपंक्चर मैंने 10 डेज का 3-4-5 साइकिल करी, लाइक स्पैन। देन उसका तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। देन आई वेंट फॉर माई सन वेंट फॉर वो हजामा, दैट इज़ उसके लिए भी गई। तो आखिरकार वो डॉक्टर ने, हकीम साहब ने खुद कहा अब मत आइए आप। आई वेंट फॉर सो मैनी टाइम। फिर बैठी रही, भी देखती रही। फिर डॉक्टर खाकान, इनका मुझे पता चला, और वो जो कामरान मुर्तुजा, आई स्टिल रिमेम्बर द नेम। फिर कामरान मुर्तुजा का वो पूरा मैंने देखा। फिर इन्होंने इनका नंबर भी उसी में, तो नंबर दिया, तो फौरन, सबसे अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने फौरन रिस्पॉन्ड किया। लाइक वो तो आप अच्छा तो पूरा अभी तो नहीं है, तो तभी आइए फिर फ़ोन कीजिए अभी। लाइक आपको पता है ना, ऑपरेटर्स दे यूज टू टेक द फ़ोन और ये सब, तो उससे डिसहार्ट हो जाती थी मैं। खलीज में भी फ़ोन किया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनको मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ौरन उठाया और कहा पिक्चर उठा लो, पिक्चर आप उतार के अपने बेटे की मुझे दे। तो वो स्कूल से आ गया, ही इज इन स्कूल,
तो ये पकड़ के जाता है, पकड़ के आ जाता है स्कूल से। तो फिर इन्होंने कहा कि आप आ जाइए, इनका वो भी मुझे मिला। आई मीन आफ्टर द वेरी नेक्स्ट डे इन्होंने वो किया कि आपका अपॉइंटमेंट है, लाइक इतनी देर को, सेवेंथ, इट वॉज सेवेंथ आई थिंक, यस। तो फिर इन्होंने वो किया, मैं आई तो इन्होंने दवाई दी। फिर